नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण की। इस सूर्य ग्रहण को हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहते हैं और ये पूरे 100 साल बाद ही सूर्य ग्रहण आ रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है, इसका सूतक काल कब से शुरू होगा, इसका मोक्ष कब होगा, साथ ही नहाने का जो समय है वो कब होगा, इस सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस बात की सावधानी रखना चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप भी सब चीज़ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सूर्य ग्रहण है वो कब लगेगा, यानी समय उसका क्या रहेगा। तो सूर्य ग्रहण का जो समय यानी स्पर्श का जो समय है वो सुबह 8:07 से स्टार्ट होगा। स्पर्श का जो समय है यानी कि जब सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा उसका समय है सुबह 8:07 पे। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, कल की बात कर रहा हूँ, यानी कि 20 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 20 अप्रैल को सुबह 8:07 से सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा और इसका मोक्ष कब होगा, मोक्ष होगा इसका 11:27 पे। सुबह 11:27 पर इसका मोक्ष होगा और जो स्टार्ट होगा वो होगा सुबह 8:07 पर। चलिए अब सूतक काल की बात कर लेते हैं कि सूतक कब से लगेगा। तो जो सूतक है, कोई भी सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, तो ग्रहण के जब स्टार्ट होता है यानी स्पर्श जब शुरू होता है उससे 12 घंटे पूर्व ही सूतक प्रारंभ हो जाता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर 8:07 पर सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा तो उससे 12 घंटे पहले आप उसको माइनस कर लीजिए। तो अगर आप इस प्रकार से कैलकुलेशन लगाएंगे तो 19 तारीख को रात 10:07 से इसका सूतक स्टार्ट हो जाएगा। और सूतक समाप्त कब होगा, सूतक समाप्त होगा जैसे ही जो सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा तभी सूर्य जो सूतक है वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि सूतक का भारत पर उतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, इसलिए सूतक काल का जो समय है उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। सूतक काल का जो समय है वो अगर ना भी माने तो चल जाएगा क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखने वाला है। चलिए अब मैं ये बता देता हूँ कि इसमें आपको स्नान कब करना है, नहाना कब है। तो या तो आप सूर्य ग्रहण से पहले नहा लीजिए यानी जब स्टार्ट होगा उससे पहले नहा लीजिए एक बार, और जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए यानी जब मोक्ष हो जाएगा उसका, यानी कि 11:27 के बाद आपको फिर स्नान करना है। आप 5-10 मिनट बाद जब भी आपको टाइम मिले आप उस समय स्नान कर सकते हो। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि इस समय यानी सूर्य ग्रहण के दौरान जो ग्रहण काल होता है या सूतक काल होता है उस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम बात पर ये ध्यान देते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि दान इसमें करना चाहिए क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय किया गया दान 10 लाख गुना ज़्यादा फल देता है। यानी सपोज करिए आपने 1 रुपया दान किया है तो वो 10 लाख रुपये के बराबर हो जाएगा। यानी आपने अगर 100 रुपये दान किए तो समझ सकते हो आप उसकी जो क्वांटिटी वो कहाँ चली जाएगी। तो आप सूर्य ग्रहण के दौरान या कोई भी ग्रहण के दौरान, वैसे मैं अभी सूर्य ग्रहण की बात कर रहा हूँ, तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो दान किया जाता है उसका 10 लाख गुना हमें उसका फल मिलता है। तो आप इसमें जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितनी भी आपकी शक्ति हो, उतना आप दान जरूर करिए। इस समय यानी इस ग्रहण काल के दौरान आपको मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, चाहे वो सूर्य मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, इस प्रकार के कोई भी मंत्र, या फिर आपके गुरु मंत्र हो या आपकी राशि का कोई मंत्र हो, इस प्रकार के मंत्रों का आपको जाप जरूर करना चाहिए। इस समय बहुत से लोग अपनी सिद्धियाँ को भी प्राप्त करते हैं, यानी सिद्धियाँ भी प्राप्त करते हैं। कुछ टोटके होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं जिसके थ्रू वो आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उन मंत्रों की सिद्धि इस समय बहुत आसानी से हो सकती है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी कुछ होता है वो बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। तो अगर आप इसमें अपने मंत्रों की सिद्धि करेंगे या कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो भी ये समय सबसे अच्छा रहता है। इसमें आपको अपने मंत्रों की सिद्धि जरूर करना चाहिए। आपको ध्यान किस बात का देना है, किस बात की आपको सावधानी रखना है। मान लीजिए आप कोई दान करने वाले हैं तो दान करने वाली वस्तु को आप सूर्य ग्रहण स्टार्ट होता है उससे पहले ही निकाल के अलग से रख दीजिए। मान लीजिए आपका मंदिर है, घर में मंदिर के सामने आप उसको रख दीजिए, या सूर्य देव के सामने जो चीज़ आप दान करना चाहते हैं उसको रख दीजिए और सूर्य ग्रहण के पश्चात उसको दान कर दीजिए। ऐसा नहीं कि जब ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा उस समय आप चीज़ें ढूंढ रहे हो और उसके बाद फिर आप उसको भगवान के जो मंदिर है उसके सामने रख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जो सूर्य ग्रहण स्टार्ट होने वाला है उससे पहले ही वो सारी चीज़ जो भी आपको दान करनी है वो निकाल के रख देंगे। ग्रहण खत्म होने के बाद आप घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करेंगे, क्योंकि गंगा जल के छिड़काव के बाद यानी गंगा जल हम जब पूरे घर में छिड़कते हैं तो घर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है और साथ ही वो घर जो है उसका वातावरण शुद्ध होता है, घर शुद्ध होता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तथा आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।